नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय एक बहुत कठिन समय है और ये समय समस्त अनुदेशक परिवार और शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए बहुत सी कठिनाइयों से भरा हुआ है। जहां एक तरफ तो 69,000 भर्ती में शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला नहीं आया, वहीं अनुदेशक मानदेय 17,000 को इतना लंबे समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने अभी तक इस पे कोई भी आदेश नहीं दिया है। आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो शिक्षा मित्र भाई बहनों से संबंधित है, मगर मैं समस्त अनुदेशक परिवार से भी ये कहूंगा कि इस वीडियो को, इस खबर को अवश्य देखें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको भविष्य में आने वाली उन समस्याओं के बारे में और उससे किस तरीके से हमें निपटना है उसके बारे में एक राह दिखाई देगी। इस वीडियो को अभी हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप अनुदेशक शिक्षा मित्रों से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। साथ ही साथ मैं आपसे एक और अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिव्यांग आम प्रशिक्षित शिक्षक एसोसिएशन की तरफ से उत्तर प्रदेश के 172,000 भाई बहनों से एक अपील कि वाकई आप लोग दर्द को समझ रहे हो तो एकजुट होने का प्रयास कर लीजिए, वरना ये स्थिति विषम परिस्थितियों में बदल जाएगी। और अगर इसका अनुमान आपको लगाना है तो बहुत छोटे से शब्द में मैं आपको बताऊंगी कि जितने डिबेट आपने देखी उन डिबेट में बीजेपी के जितने योद्धा आए उन्होंने एक फिक्रा शिक्षा मित्र नेताओं के सर पे फोड़ दिया कि नेता एक नहीं होते हैं, मांग एक नहीं होती है, इसलिए हमारी सरकार इनको दे नहीं पा रही है। तो हम क्यों ना 172,000 भाई बहन, ना कोई नेता, ना कोई अभिनेता, ना ही कोई किसी और की अहमियत गरिमा को समझे, केवल एक गरिमा समझे कि आज सभी को दर्द रोटी का है, सम्मान का है। उस सम्मान को पाने के लिए मैं 172,000 भाई बहनों को आह्वान करती हूँ कि आप एकजुटता के एक मिसाल में आके खड़े हो जाइए, क्योंकि अभी आपने मात्र 4 ही दिन पहले एक डिबेट सुनी होगी अग्निहोत्री सर के साथ जो हो रही थी, उसमें बीजेपी के योद्धा, बीजेपी के प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव जी ने कहा कि आप लोग एक होकर आइए, मैं आपकी मांगों को रखूंगा। तो एक मौका है हमारे लिए कि मैं उन सभी नेताओं से कहूंगी कि आप सभी एक होकर आ जाइए धरातल पे, अपने अहंकार, अभिमान और नेतागिरी बंद करके शिक्षा मित्र हित को देखते हुए, शिक्षा मित्र परिवार के दर्द को देखते हुए आप लोग एक मंच पटल पर आ जाइए, वरना दोबारा मौका नहीं आएगा, परिस्थितियां विषम हो जाएंगी, ये आप लोग मान लीजिए। और क्यों ना हो, जब हाई पावर कमेटी बनी तब भी आप लोग, मैं मंच को लगा के बैठी थी और सभी भाई बहनों को मैंने आह्वान किया था, सभी को बुलाया था, आप लोग आने से कतराती नहीं। गलत बात है, अगर आप वाकई शिक्षा मित्र हितैषी हैं तो उतरिए धरातल पर और उतरिए उन भाई बहनों को हित के लिए, नेतागिरी के लिए नहीं, क्योंकि उमा देवी आम शिक्षा मित्र बनकर शिक्षा मित्र परिवार की लड़ाई लड़ती है, नेता बनकर नहीं लड़ती है। नहीं, उमा देवी किसी को पर्सनल कोई टारगेट या इशू देती है, उमा देवी सबके हित को ध्यान में रख करके आवाज उठाती है और आज आवाज फिर उठा रही हूँ आप लोगों के लिए। काफी भाई बहनों की गुजारिश आई कि दीदी एक बार फिर से जैसे बीजेपी के योद्धा कह रहे हैं उसी आवाज में आप चल के जरा सा दिखा दीजिए कि जो लोग कहते हैं मुहर लगाते हैं, मुहर लगाना बंद कर दें, मुहर किसी की कोई मुहर नहीं लगती है। जो सरकारी कर्मचारी है वह व्यक्ति जो सरकार सामने बैठती है वो उसी का नुमाइंदा होता है, इस चीज को हमेशा ध्यान रख ले, ये सभी के लिए हित की बात है। रही बात कार्य शैली की, तो मैं समझती हूँ कि नेता कोई अच्छा नहीं और नेता कोई खराब नहीं, जो दर्द को समझ ले, जो शिक्षा मित्र हित में काम कर दे, जो शिक्षा मित्र हित के लिए अपने जान की बाजी लगा के खड़ा हो जाए और जो शिक्षा मित्र हित के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाए, वही शिक्षा मित्र का सच्चा हितैषी है, वरना स्वार्थ
मुंह देखी बात और पीठ पीछे वार, ये उमा देवी को पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खुले शब्दों में मुंह पे कहती हूँ और मेरा मुंह पे बोलना लोगों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि मैं सत्य बोलती हूँ। सच कड़वा जरूर होता है, सुनने में कर्णप्रिय नहीं लगता है लोगों को, लेकिन हमेशा के लिए वह अच्छा होता है। तो मैं अपने उन नेताओं से भी कहूंगी जो नेता अभी अहंकार पाल के बैठे हैं कि नहीं हम सब कुछ है या हम सब कुछ करवा लेंगे, मैं कहती हूँ यहाँ जीवन और मौत का सवाल खड़ा है, सभी लोग एक होकर के सारे भाई बहनों को एक चुनौती को स्वीकार करनी पड़ेगी कि हमें एक मंच पर आकर के हित के लिए बात करनी पड़ेगी। मेरे आह्वान को ध्यान में रखते हुए सभी लोग उतरिए धरातल पर और सरकार से बात की जाएगी, सरकार से वार्ता की जाएगी, सरकार से अपने दर्द को एहसास कराया जाएगा और अपने रोटी की मांग की जाएगी, क्योंकि जब वो बार बार कहते हैं कि हम आपके हित के लिए बैठे हैं तो हम भी एक बार एहसास तो कराओ कि 2 साल हो गया वो हित कहाँ गया। और रही बात जो भाई बहन कहते हैं कि नेता जी नहीं, आज सारे भाई बहन नेता हैं, आज जरूरत है तो एकजुटता की, एक मंच पटल पर आने की, एक आवाज उठाने की और अपने दर्द को एहसास कराने की। अपने सभी भाई बहनों से गुजारिश करूंगी कि 2-3 चीज तो बिल्कुल छोड़ दे, ग्रुप पे कमेंट करना, किसी के निजी हित को घात लगाना, किसी के लाइफ में इंटरफेयर करना, ये आम शिक्षा मित्र भाई बहन छोड़ते हुए अपने सम्मान को ध्यान में रखते हुए, रोटी की जरूरत सभी को है उसकी पूरा करने के लिए एक मंच पटल पर आवे, एक दर्द का एहसास सरकार को कराने के लिए, क्योंकि मैं उमा देवी आवाज उठाकर आगे बढ़ूंगी, आप लोग चलिए मेरे साथ। और वह इको गार्डन का नजारा अब मत आने दीजिएगा कि एक तरफ इको गार्डन में मैं धरना 15 दिन से लगा करके खड़ी थी और मेरे ही साथ आकर के दूसरे भाइयों ने दूसरा मंच सजा दिया, यह काम मत करिएगा आज। अगर यह काम करेंगे आप लोग तो जीवन में हित नहीं पाएंगे। और कुछ भाई बहन तीसरे जगह से आवाज देते रहे कि हमारी सरकार है हम करवा देंगे, उनका भी आप लोगों ने देख लिया, सभी ने सबका देख लिया। तो आज जरूरत है आम भाई बहनों को एक मंच पटल पे सभी को लाने की, और ये दायित्व आम भाई बहन का है कि आम भाई बहन अगर वह नेता एक होकर के नहीं आता है, एक मंच पटल पर नहीं खड़ा होता है, तो आम भाई बहन उस नेता का त्याग करे, उस नेता को अपने भविष्य से अपने जीवन से खिलवाड़ करने ना दे और उस नेता को उसका एहसास करावे कि आप हमारे साथ अब गलत कर रहे हैं, हम आपके साथ नहीं, अगर आप हमारे हित में हमारे लिए नहीं खड़े। मैं तो 2 साल से आपके लिए लगातार लड़ रही हूँ, मेरे से कितना क्वेश्चन आप करेंगे, मैं आपके लिए हर वक्त खड़ी रहती हूँ, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात हो। अब इससे ज्यादा आप क्या अपेक्षाएं मेरे से रखते हैं कि मैं बीमार रहने के बावजूद भी आप लोगों के लिए उठकर चल देती हूँ कि हाँ मेरे भाई बहनों की आवाज आ रही है मैं वहां खड़ी हो जाऊंगी। और रही बात आखिरी और अहम बात, मेरी सभी से अपील है आप लोग आइए एक मंच पटल पे एक आवाज दी जाए और इस लक्ष्य से इस उद्देश्य से दी जाए कि हमें शिक्षा मित्र भाई बहनों का हित करना है, नेतागिरी नहीं करनी है। इसी के साथ अपने बाड़ी को विराम देते हुए, तो आपने ध्यान से सुना कि उमा देवी ने क्या कहा और किस तरीके से उन्होंने बताया कि यूनिटी ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा जीत हासिल की जा सकती है। ये यूनिटी ही शिक्षा मित्र परिवार को इस संकट से उभार सकती है और उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। इस खबर से ही अनुदेशक परिवार और अनुदेशक साथियों को भी एक सीख लेनी चाहिए कि अगर वो अपनी जीत को हासिल करना चाहते हैं, वो जीत चाहे सम्मानजनक मानदेय की हो या फिर भविष्य में एक परमानेंट टीचर की हो, जब तक सब लोग यूनिटी नहीं दिखाएंगे तब तक किसी भी तरीके की जीत की कोई भी कामना नहीं की जा सकती। यूनिटी ही एक ऐसी चीज है जिसकी कमी की वजह से अनुदेशक मानदेय 8,470 से 7,000 रुपए हो गया और आने वाले समय में समस्त अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को एकजुट होकर
अपने हक को पाने के लिए लड़ना होगा, तभी इस फैसले के आने की संभावना है और सभी के भविष्य को सुरक्षित करने की भी संभावनाएं बन सकती हैं। अनुदेशक शिक्षा मित्रों से जुड़ी और खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप किसी भी खबर को मिस ना करें। धन्यवाद।